किसी प्रिज्म में जब लाइट इंसिडेंट करता है तो उसका होता है डेविएशन, और वो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, वो डिपेंड करता है प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, और साथ ही साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और एंगल ऑफ इमर्जेंस पे भी डिपेंड करता है। तो जो डेविएशन है ये कांस्टेंट नहीं होता एक प्रिज्म में, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका एक मिनिमम वैल्यू भी होगा डेविएशन का। सो मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है, डेविएशन जब सबसे कम होगा एक प्रिज्म में, उसके साथ हम इंटररिलेट करने वाले हैं वो जो प्रिज्म बना हुआ है उसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ये वाला एंगल है, एंगल ए, और ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी ये एक प्रिज्म है, और सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान रहे हैं एन वन, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग्स का, और जो मटेरियल है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू। तो फिर इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है, इस मटेरियल का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इसे हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इस एन के जगह हम कह सकते हैं यह है एन टू वन। तो हमें इन्हें इंटररिलेट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं डेविएशन कैसा होगा यहां पर। तो उसके लिए मान ले एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है कुछ इस तरह से इस प्रिज्म में, यहां पर इस पॉइंट में। तो ये इंसिडेंट रे जो है ये पी क्यू रे है, पी क्यू, और ये हो जाता है प्रिज्म के अंदर थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड, ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन होगा इसमें, और ये यहां से फिर से रिफ्रैक्टेड होके बाहर निकल जाता है, एमर्ज कर जाता है। तो यहां ये जो लाइट रे है पी क्यू आर एस पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पी क्यू है इंसिडेंट रे और ये आर एस है एमर्जेंट रे। और भी कुछ चीजें हमें यहां पर कंसीडर करना होगा, एक नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे दोनों पॉइंट्स पे, जहां इंसिडेंट कर रहा है ये लाइट रे और जहां से एमर्ज कर रहा है। तो दो नॉर्मल्स, एक तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, उस सरफेस पे जिस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट किया हो, और एक इस आर पॉइंट से उस सरफेस पे जिस सरफेस पे पॉइंट आर रिसाइड कर रहा हो। तो ये कुछ ऐसा दो नॉर्मल्स हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए, यहां इसे एक नाम दे देते हैं, यह है एन पॉइंट एन। और अब देखते हैं यहां पर डेविएशन कितना हो रहा है। तो डेविएशन के लिए इस पी क्यू जो लाइट रे है इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और उधर से आर एस को भी पीछे ले आएंगे। तो यहां से आगे बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे लाइट रे को, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता लाइट रे जो कि पी क्यू लाइट रे है, और ये आर एस जो है उसे अगर पीछे ले जाते हैं तो वो कुछ ऐसा यहां पर मीट करेगा। तो इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट किया है ये पॉइंट, ये चलिए इसे एम कहते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर देखे ये वाला होगा एंगल ऑफ डेविएशन, इतना लाइट रे डेविएट किया है। और साथ ही साथ कुछ और एंगल्स देख लेते हैं, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और साथ ही साथ यहां पर इसे डिनोट करते हैं आर वन से और इसे चलिए डिनोट करते हैं आर टू से। तो यहां पर हमें जो इंटररिलेट करना होगा वो जो है डेल्टा एम अर्थात मिनिमम डेविएशन, जो कि इसी के साथ रिलेटेड होगा किसी तरह से आगे चल के हम देखेंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि ये वाला एंगल है, और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। यहां बाकी जो एंगल्स यहां पर आप देख रहे हैं आई है, आर वन, आर टू, ई, ये सारे एंगल्स ये हमने इसे प्रूव करने के लिए या फिर रिलेशन को डिराइव करने के लिए इंटरमीडिएट टर्म्स हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो एन टू वन है उसमें अपियर करेगा ये आई और आर वन, बिल्कुल करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर वन। तो
इसके साथ किसी तरह से हम इन दो एंगल्स को इंटररिलेट कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि मिनिमम डेविएशन के साथ किसी तरह से हम बाकी एंगल्स को इंटररिलेट कर सकते हैं जियोमेट्री से, तो हमारा पहला टास्क होगा ये जो एंगल है एंगल ए, एंगल आर वन और एंगल आर टू, इन्हें किसी तरह से इंटररिलेट करना। तो देख लेते हैं हम कैसे इंटररिलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे एक क्वाड्रिलैटरल, और वो क्वाड्रिलैटरल है ये क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर। सो इस क्वाड्रिलैटरल में अगर आप देखें, हमें पता है कि एक चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलैटरल जो है उसका जो चार एंगल्स है उनका जो समेशन होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहां पर ये तो नोन एंगल है, गिवन एंगल है ए। यहां ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने माना है ये एक नॉर्मल है इस सरफेस पे। उसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, और बच गया ये एंगल। तो इन चारों का जो समेशन होगा 360 डिग्री होगा। तो ये तो एक अननोन एंगल है। इसके साथ आगे चल के हम इस R1 और R2 को इंटररिलेट कर सकते हैं। तो R1 और R2 इक्वेशन में आ जाएगा, उसके साथ हम किसी तरह से इंटररिलेट कर सकते हैं यहां I को, यहां E को, एंगल E को और डेल्टा को। तो हमारा पहला टास्क है हम कंसीडर करेंगे क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर। सो इन क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर, इस क्वाड्रिलैटरल में हम कह सकते हैं कि ए एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन, जो कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का है, प्लस एंगल क्यू एन आर जो कि ये वाला एंगल होगा जो कि अननोन है, प्लस एंगल एन आर ए जो कि ये वाला एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का होगा, इन सब का समेशन जो है ये 360 डिग्री होगा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस क्यू एन आर, अननोन है, प्लस क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर प्लस फिर से 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे आगे हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आगे यूज करने वाले हैं। अब देखें हम क्या करेंगे। अब इस क्यू एन आर जो अननोन टर्म है इसे किसी तरह से आर वन और आर टू के साथ इंटररिलेट करना है हमें। इसके लिए हम जो कंसीडर करेंगे वो होगा ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू एन आर। इस ट्राइंगल में देखें, हमें पता है ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो वहां से हम इसे, इस एंगल को जो कि यहां पर दिख रहा है क्यू एन आर एंगल है, इसके साथ आर वन और आर टू को इंटररिलेट कर सकते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि इन इन ट्राइंगल क्यू एन आर, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, यहां से हम कह सकते हैं कि आर वन, एंगल आर वन जो है, प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसे इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। अब देखें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम इंटररिलेट करते हैं तो हम क्या पाएंगे। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां से मैं ये एंगल का सिंबल हटा दे रहा हूं, ए एंगल है ये हमें पता है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा देखें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा देखें। ये जो एक्सप्रेशन है ये 180 डिग्री के बराबर है और ये एक्सप्रेशन भी 180 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए
प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर। तो यहां से इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम एंगल क्यू एन आर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो यहां से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो हमने कर लिया आर वन और आर टू को ए के साथ इंटररिलेट। तो अब आगे चल के आर वन और आर टू अगर अपियर करता है तो उसे हम ए से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट टर्म्स एक नोन टर्म से सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब डेल्टा के लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो डेल्टा के लिए देखें हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू आर एम। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है। हमें पता है एक्सटर्नल एंगल दो ओपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम होते हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो, और इन दोनों एंगल्स को इसे और इसे हम इंटर रिलेट कर सकते हैं आर वन आई आर टू और ई के साथ। कैसे करेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना होगा ट्राइंगल एम क्यू आर। सो इन ट्राइंगल एम क्यू आर, इस ट्राइंगल में जैसा कि हमें पता है एक्सटर्नल एंगल डेल्टा ये बराबर होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल है इसका और इसका सम, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये एंगल बराबर होगा I माइनस आर वन के, क्योंकि ये जो I है ये बराबर होगा इस पूरे एंगल के साथ, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। तो जब I ये पूरे एंगल के साथ बराबर है तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है इसके साथ R1 को ऐड करेंगे तो वो I होगा। उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा E माइनस R2 के। तो दो एंगल्स का समेशन इसका और इसका, इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, पहला वाला एंगल है I माइनस R1 और दूसरा वाला जो एंगल है ये है E माइनस R2। तो इन दोनों का समेशन होगा डेल्टा। अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि डेल्टा जो है ये डेल्टा ये बराबर होगा आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू के। तो इसे कुछ हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को अगर हम ब्रैकेट में रखें तो यहां हमें प्लस लिखना होगा। अब देखिए ये क्या बन गया, सो ये रिड्यूस्ड होके बना डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ये जो टर्म है ये जो एक्सप्रेशन है ये ए के बराबर है, सो माइनस ए। बेहतर होता अगर मैं यहां इसे एक इक्वेशन का नाम दे देता, तो ये है इक्वेशन थ्री। और यहां पर इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें लिखना होता है कि फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी कैन से। सो तो चलिए इसे नाम दे देते हैं एक इक्वेशन, सो ये हो गया इक्वेशन फोर। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि जब डेविएशन मिनिमम होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन अर्थात एंगल ऑफ डेविएशन जो है सबसे कम हो जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अर्थात हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज डेल्टा जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है इज इक्वल टू डेल्टा एम, यहां डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब डेविएशन मिनिमम हो तो ऐसे सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, और साथ ही साथ चूंकि ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये R1 और R2 बराबर होता है। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है इस पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो जब भी ये वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल हो जाएगा तो आपको यहां सजेस्टेड वीडियोस में दिखेगा वो वीडियो, तो इसे मैंने इस वीडियो के स्कोप से बाहर रखा है। तो चलिए इसे हमने मान लिया R1 और R2 को हमने नाम दे दिया R। तो फिर
अगर ऐसा हो जब डेविएशन मिनिमम हो, तो जब ये दोनों बराबर हो और इन दोनों को हम आर से डिनोट कर सके, तो देखिए इक्वेशंस कैसे रिड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री से हम कह सकते हैं कि ए जो है ये बराबर होगा आर वन प्लस आर टू अर्थात आर प्लस आर जो कि टू आर के बराबर है। सो ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। इससे आगे हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए ओवर टू। तो इसे भी एक नाम दे देते हैं, ये हो गया इक्वेशन फाइव। और उसी तरह से अगर हम रिड्यूस करते हैं इक्वेशन फोर को, ये वाला जो इक्वेशन है, तो देखें हमें क्या मिलेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर हमें क्या मिलेगा, देखें कि डेल्टा जो कि अब डेल्टा नहीं रहा, डेल्टा एम बन चुका है। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो इसे हम ट्वाइस ऑफ आई कह सकते हैं क्योंकि ई तो आई के बराबर है। सो ई के जगह अगर आई लिखते हैं तो आई प्लस आई, सो ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए। अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से आगे आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। तो इसे एक नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को, ये हो गया इक्वेशन सिक्स। तो यहां पर देखें I के साथ हमने डेल्टा M और A को इंटररिलेट किया है और R के साथ हमने A को इंटररिलेट किया है। तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं तो होगा क्या, स्नेल्स लॉ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स जो है उसके साथ हम I और R को इंटररिलेट कर सकते हैं और आगे हम जाके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स को। तो हम कर लेंगे सबको एक साथ इंटररिलेटेड, जिन्हें हमें करना था इंटररिलेट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो इससे आगे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्नेल्स लॉ। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ देखिए स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जिससे ये प्रिज्म बना हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ये बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू अर्थात साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर वन, और आर वन के जगह हम यहां पर इस स्पेशल केस में जबकि डेविएशन मिनिमम हो रहा है इस स्पेशल केस में हम आर वन के जगह आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को इंटररिलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। इससे आगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू साइन ऑफ आई के जगह हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू। सो डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, तो साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टू, सो साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म को हमने इंटररिलेट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। और इससे आगे अब हम क्या करेंगे, एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे जहां पर प्रिज्म बहुत पतला होगा, फॉर वेरी थिन प्रिज्म। सो एक स्पेशल केस जब प्रिज्म बहुत पतला होगा। सो यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक बहुत बहुत पतला प्रिज्म। So, बहुत पतला प्रिज्म जब होगा तब इन टर्म्स के बीच क्या रिलेशन होगा, कैसा इक्वेशन बनेगा, वही हमें देखना है। तो मान ले ये हो गया इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्ट कर गया और ये हो गया इमरजेंट रे। मैं यहां आपको बता दूं कि प्रिज्म अगर बहुत पतला होगा तो उसमें जो डेविएशन है वो भी बहुत छोटा होगा। सो आगे बढ़ते हैं।
हम प्रोसीड कर देते हैं इस इंसिडेंट रे को और हम प्रोसीड कर देते हैं इस एमरजेंट रे को, और यहाँ पर हमें मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन और ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों बहुत छोटे हैं क्योंकि प्रिज्म बहुत पतला है। सो स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस कैसा कि प्रिज्म जो है ये बहुत पतला है, इट इज वेरी थिन। सो इसका मतलब जो होगा ये जो ए है इट टेंड्स टू जीरो, और साथ ही साथ डेल्टा ये भी टेंड्स टू जीरो, ये दोनों जीरो के बहुत करीब होगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा। हमें पता है कि एक एंगल एक्स अगर ये टेंड्स टू जीरो हो तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर दूसरे शब्दों में कहें साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वन, जो भी कह ले आप। तो यहां पर साइन ऑफ दिस एंगल, जब ये डेल्टा और ए दोनों बहुत छोटे हो, यहां पर मिनिमम डेविएशन ये है जो हम इसे डेल्टा एम भी कह सकते हैं। सो जब डेल्टा एम और ए दोनों बहुत छोटे हो तो ये टर्म भी बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल, और ये भी बहुत छोटा होगा। तो साइन ऑफ दिस एंगल के जगह हम सिर्फ ये एंगल लिख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए स्पेशल केस में हम कहेंगे एन टू वन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू ओवर ए डिवाइडेड बाय टू। तो अब हम यहां से ये टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं और इससे आगे हमें मिलेगा एन टू वन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। अब अगर आप डेल्टा एम के लिए इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहां से आप बना सकते हैं कुछ ऐसे। आप अगर इसे लिखते हैं कि ए इंटू एन टू वन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ए इंटू एन टू वन, इसे अगर इस साइड में ले आते हैं अपोजिट साइड में तो ये माइनस ए हो जाएगा, तो ए को तो हमने कॉमन आउट किया है, तो माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो इस तरह से हम डेल्टा एम के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं फॉर वेरी थिन प्रिज्म। तो ये हो गए रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ये दोनों स्पेशल केस का इक्वेशन है, वो स्पेशल केस है जब प्रिज्म बहुत पतला हो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।